तो राम रहीम के जेल जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि राम रहीम के बाद डेरे का उत्तराधिकारी कौन होगा। इस सवाल का जवाब हालांकि किसी के पास नहीं आज की तारीख में, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब डेरे को लेकर यह खबर आ रही है कि 23 सितंबर को जब गुर्दा गद्दी दिवस है, उस गद्दी दिवस के दिन राम रहीम के बेटे को डेरे का केयरटेकर बनाया जा सकता है। राम रहीम जेल में है, उसे रेप के जुर्म में 20 साल की सजा हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल डेरे को लेकर है कि आखिर अब डेरे का अगला चीफ कौन होगा, कौन डेरे की गद्दी संभालेगा। हालांकि इसको लेकर कई बार कई तरह की खबरें आई, लेकिन डेरे की तरफ से फिर उनका खंडन भी कर दिया गया। 23 सितंबर एक ऐसा दिन जो डेरा प्रेमियों के लिए गुरु का दिन है, इस दिन को लेकर प्रशासन भी बेचैन है कि आखिर 23 सितंबर को होगा क्या। एहतियात के तौर पर पुख्ता बंदोबस्त हैं, लेकिन हालात अभी भी उलझे हुए हैं। लेकिन अब जो डेरे को लेकर नई खबर है वो ये कि 23 सितंबर गुर्दा गद्दी दिवस के दिन राम रहीम के बेटे जसमीत इंसा को डेरे का केयर टेकर बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी कहीं कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की जाएगी। बिल्कुल, जो गुरमीत राम रहीम है वो गद्दी किसी को भी नहीं दे सकता जब तक वो जिंदा है, और केयर टेकर किसी को भी बना सकता है। और इसमें 2004 में जब इसने ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाई थी और उसके साथ ही उसने एक वसीयत नामा भी जारी किया था जिसके अंदर जो जसमीत सिंह का नाम दर्ज था, और उसके हिसाब से लगता है कि ये केयर टेकर जसमीत को बना सकता है अपना। हाँ बिल्कुल, गुप्त सूत्रों से कुछ पता लगा है कि इसमें जो उसके माता हैं नसीब कौर, वो उनसे मिलके आई हैं और वो इनको केयर टेकर के लिए जसमीत का नाम रखा है। और जसमीत और उसके साथ गुरदास सलवारा और उसके साथ कुछ जो मैनेजमेंट कमेटी है वो कर सकती हैं इसको। आपको बता दें कि 23 सितंबर वो तारीख है जिस दिन राम रहीम को शाह सतनाम से गद्दी मिली थी, इसलिए 23 सितंबर को डेरे में गुर्दा गद्दी दिवस मनाया जाता है। सोमवार को ही जब पुलिस ने डेरे की चेयरपर्सन विपाशना इंसा से इसके बारे में सवाल किया था तो उसने ये बात कही थी कि 23 सितंबर को डेरे में कोई आयोजन नहीं होगा। इसके साथ ही विपाशना ने ये भी कहा था कि हर डेरा प्रेमी को घर में ही सत्संग करने के लिए कहा गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बाबा के बेटे को डेरे का केयर टेकर घोषित करने की सूचना डेरे के खासम खास लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। सूत्रों की माने तो पिछले गुरुवार को ही राम रहीम की मां जब जेल में राम रहीम से मिलने पहुंची थी तो उसने इस बात की परमिशन भी राम रहीम से ले ली थी। इसका बड़ा कारण ये भी है कि राम रहीम के बेटे जसमीत इंसा पर अभी सीधा कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इससे पहले कि सरकार डेरे पर प्रशासक नियुक्त करे, डेरे का कोई न कोई उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। ऐसे में अब सबकी निगाहें आने वाली 23 सितंबर पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।